हेलो गाइस, दिस इज हर्ष गर्ग फ्रॉम एंड्रॉइड सॉल्यूशंस एंड आज मैं आपको अपना रिव्यू दूंगा एनवीडिया के न्यू लेटेस्ट आरटीएक्स 3080 पे। आप सब लोगों को तो पता ही होगा कि हम 30 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड के लिए कितना एक्साइटेड थे एंड ये ग्राफिक्स कार्ड अपने जैकेट वाले जेनसन चाचा ने 1 सितंबर को लॉन्च किए थे और उसके साथ ही 3070 एंड 3090 भी लॉन्च हुआ था एंड ये बोला गया था कि 3080 जो कार्ड है ये प्रीवियस जनरेशन वाले ग्राफिक कार्ड डेट इज 2080 के डबल परफॉर्मेंस देगा। समझ रहे हो गाइस, डबल परफॉर्मेंस देगा एंड जो 3070 है वो 2080 Ti के जितनी परफॉर्मेंस देगा। तो ये न्यू जनरेशन के 30 सीरीज के ग्राफिक्स कार्ड अब एम्पियर आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, अनलाइक जो पिछली जनरेशन के ग्राफिक्स कार्ड थे वो ट्यूनिंग आर्किटेक्चर पे बेस्ड थे। तो आज मैं आपको 3080 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा जितनी अभी तक अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मैं बेंचमार्क्स नहीं डाल रहा, वो तो आप सब लोगों ने अंग्रेजों की वीडियो पे लाइक जेज अंकल लाइनस अंकल हार्डवेयर अनबॉक्स वगैरह पे बेंचमार्क्स देख ही लिए होंगे। तो मैं बेफालतू में सेम ही बेंचमार्क्स डाल के वीडियो को अननेसेसरी बढ़ाना नहीं चाहता। मैं बस वही मेन पॉइंट्स आपको बताऊँगा जो आपके जानने की ज़रूरत है इसे परचेज करने से पहले, ठीक है। सो फर्स्ट एंड मेन पॉइंट इज 3080 इज नॉट गिविंग ट्वाइस द परफॉर्मेंस एज प्रीवियस जनरेशन RTX 2080 कार्ड्स एज क्लेम्ड बाय NVIDIA। यस गाइस, ये आपको 2K रेजोल्यूशन पे ऑलमोस्ट 35-40% का परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा एंड वही 4K रेजोल्यूशन पे आपको 65-67% का बूस्ट देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशन 2080 कार्ड, ठीक है। एंड बात करें 3080 का कंपैरिजन 2080 Ti से तो भाई वो ऑलमोस्ट 17-20% परफॉर्मेंस बूस्ट देखने को मिलेगा आपको 2K में एंड ऑलमोस्ट 30% बूस्ट देखने को मिलेगा आपको 4K में। एंड रे ट्रेसिंग तो ऑब्वियसली पिछली जनरेशन से काफ़ी सही है एंड DLSS भी इन्होंने अब अपग्रेड कर दिया है। पिछली सीरीज में तो इनका DLSS बर्बाद सा था बट अब जो DLSS 2.0 निकाला है ये काफ़ी ज़बरदस्त है एंड ये 3080 वाले कार्ड्स का कंजम्पशन ऑलमोस्ट 350 वॉट के आसपास का रहता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि 650 वॉट तो मिनिमम ले और उसके ऊपर तो जितनी आप श्रद्धा ले ही सकते हैं। बाकी मैं तो ये कहूँगा कि 650 या 750 वॉट तो एटलीस्ट लगवाए अगर आप 3080 ग्राफिक्स कार्ड लेने की सोच रहे हैं या लगवाना है आपको। तो भाई बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि क्या आपको 3080 लेना चाहिए। तो यार ये भी मतलब कोई पूछने की बात है। आई एग्री कि एनवीडिया ने मार्केटिंग में थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता दिया बट फिर भी ये टोटली वर्थ है यार। ऑलमोस्ट 70-75K का मिल जाएगा आपको ये परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट 2080 Ti से 30% फास्ट रहेगा एंड 2080 Ti तो यार 1 लाख समथिंग का आता था, मतलब 1 लाख से तो स्टार्ट होता था, उसके बाद 1,05,000 या 1,25,000 तक के भी 2080 Ti आते थे। वो तो NVIDIA ने इतने महंगे लॉन्च करे थे बट फिर भी धड़ाके से बिकते थे भाई, क्योंकि जैसे NVIDIA की लेटेस्ट जनरेशन से वो लेगा वो पैसा थोड़ी देखेगा। बट 30 सीरीज के कार्ड आर ग्रेट एंड देयर इज अ ह्यूज लीप देन प्रीवियस जनरेशन 20 सीरीज कार्ड। बेसिकली 20 सीरीज कार्ड तो यार इसलिए बर्बाद हो गए थे क्योंकि लाइक उन्होंने तब नया रेट्रेस निकाला था अपनी सेकेंड जन में एंड अब तो काफ़ी नए गेम्स आने वाले हैं रेट्रेस तो सपोर्ट करेंगे। अब NVIDIA ने रिसेंटली बताया था कि फोर्टनाइट पे वो अपना रेट्रेस का सपोर्ट देंगे। अभी वॉच डॉग का नया गेम आ रहा है उस पर फुल रेट्रेसिंग मिलेगी और साइबरपंक 2077 आ रहा है जिस गेम का हम सबको बेसब्री से इंतजार है, देखो कब लॉन्च होता है, अरे तो डेट ही आगे बढ़ाते जाते हैं। So guys, that's all in this video. I will see you guys in next video. Thank you and bye bye.